नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। प्रदेश में आपराधिक वारदातें बढ़ती जा रही हैं। खास बात यह है कि अपराधी हाईटेक हो गए हैं, वो अत्याधुनिक हथियारों और तेज रफ्तार वाहनों के साथ और भी कई चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसकी वजह से वारदात के बाद उन्हें पकड़ने में पुलिस को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कोटा पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना शुरू कर दिया है। कोटा पुलिस अब अपनी तीसरी आंख से जहां भी आपराधिक वारदात होगी वहां फौरन कार्रवाई कर सकेगी। कोटा में अब अपराधियों की खैर नहीं, कोटा पुलिस हाईटेक हो चुकी है। एक ही जगह बैठे बैठे पूरे शहर पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। यह सब हो रहा है अभय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में। आखिर ये अभय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है कैसा? कोटा पुलिस हाईटेक हो गई है और कैसे अपराधों पर लगाम लगा रही है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कोटा की सड़कों पर चैन स्नैचिंग, पर्स लूट जैसी वारदातें करके बदमाशों का भागना और छिपना अब आसान नहीं होगा। सड़क पर मर्डर या फायरिंग करके जो भी बदमाश भागने की कोशिश करेगा वो चाहकर भी पुलिस की निगाह में आने से बच ना पाएगा। जी हाँ, कोटा पुलिस अब 24 घंटे 1100 सीसीटीवी कैमरे से शहर के चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। कोटा पुलिस ने शहर में 200 जगह कैमरे लगा दिए हैं। कोटा में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने हेमू कॉलोनी सामुदायिक भवन में प्रदेश का दूसरा अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहां लगे 120 कंप्यूटर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और लगातार शहर की सड़कों की लाइव तस्वीरें दिखाते रहते हैं। सीसीटीवी कैमरों की लाइव तस्वीरें देखने के लिए अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बड़े बड़े अत्याधुनिक एलसीडी स्क्रीन लगाए गए हैं। इन स्क्रीन्स पर शहर की हर एक मुख्य सड़क, चौराहा, नुक्कड़ और सार्वजनिक स्थानों की लाइव तस्वीरें दिखती रहती हैं। समय हमारे साथ मौजूद है एडिशनल एसपी उमेश सोजा, इन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर काम जब चला था कमांड सेंटर को बनाने का, ये पूरे समय यहाँ मौजूद रहे थे। पूरा जो ऑपरेटिंग है इन्हीं के निर्देशन में यहाँ पर हो रहा है, इस समय हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर किस तरह से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है वो कोटा की पुलिस के लिए लाभकारी सिद्ध होगा, किस तरह से यह पूरा ऑपरेशन होंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कोटा को कितनी जरूरत थी, कोटा पुलिस को कितनी जरूरत थी अभय कमांड कंट्रोल सेंटर की? देखिए, सभी इस बात से परिचित हैं कि हर शहर में एक, हर जिले के हेडक्वार्टर्स पे एक पुलिस कंट्रोल रूम होता है। पुलिस कंट्रोल रूम के काम से सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन समय के साथ जिस तरह से शहर बड़े हुए और अपराध के साथ साथ अन्यथा भी शहरों की जो आवश्यकताएं बढ़ी हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट की जो समस्याएँ बढ़ी हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो सरकार ने कमांड कंट्रोल सेंटर दिया है उसकी इस शहर में महत्व को बहुत ज़्यादा अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। यह राजस्थान का दूसरा सबसे पॉपुलेटेड शहर है। इसके अलावा देश के सभी कोनों से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, कोचिंग हब है पूरे देश का। इस कारण फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी यहाँ पर 1 लाख से ऊपर की हो जाती है। इस लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जब पूरे शहर के सभी महत्वपूर्ण जगहों पर कैमरे लग जाएंगे, और अभी लगने का प्रोसेस जारी है, तो हम शहर के ट्रैफिक मैनेजमेंट को बहुत आसानी से अपने कंट्रोल से ट्रैफिक को मैनेज कर पाएंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू रहता है, और शहर के लोगों को जाम से निजात दिलाना या इवन मोटर व्हीकल एक्ट के प्रोविजंस की बहुत अच्छी तरह से पालना कराना। मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि कमांड कंट्रोल सेंटर पे कुछ जगहों पर हमने शहर में ऐसे कैमरे लगाए हैं जो लोगों के रेड लाइट जंप करने की आदत पर नियंत्रण करेगा। जैसे ही कोई व्यक्ति रेड लाइट जंप करेगा वो कैमरा उसके व्हीकल को
उसका नंबर की फ़ोटो लेके हमें बता देगा और उसके मालिक तक हम सीधे जो है उसके एड्रेस पर चालान भेज देंगे ई चालान की प्रक्रिया के तहत। ये पहले संभव नहीं था, लेकिन कमांड कंट्रोल सेंटर आने के बाद से ये संभव हो पाया। इसी तरह से जो ओवर स्पीड कर रहे हैं टू व्हीलर फोर व्हीलर, उनको भी नियंत्रित करने के लिए जो कैमरे लगे हैं, और इसी तरह से वो कैमरे उनके नंबर्स को का फ़ोटो लेके उसको हम उनके मालिक को ट्रेस करके उन तक सीधे चालान पहुंचाएंगे। आप इसको समझ सकते हैं कि सिर्फ इन दो चीज़ों से ही शहर में होने वाली दुर्घटनाओं पर कितनी कमी आएगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के अलावा से बात की जाए, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर काफ़ी हद तक अपराधियों के ऊपर संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर भी नज़र रखने में पुलिस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। बिल्कुल, ये तो एक पार्ट हुआ ट्रैफिक मैनेजमेंट, दूसरा हुआ अपराधियों को पर निगाह रखना और अपराध को होने से रोक लेना। आपको मैंने जैसे अभी बताया कि पूरे शहर में हमने जहाँ भी महत्वपूर्ण जगह है वहाँ पर हमने कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों का फीड हमें इस कमांड कंट्रोल सेंटर पर सीधा आता है। इसके कई फायदे हैं। एक तो कई बार कोई किसी क्षेत्र में कोई अपराध होने लगता है तो उसकी जानकारी, अभी तक पुलिस को पुलिस निर्भर थी कोई इनको जानकारी दे और पुलिस उस एक्शन पर आए, लेकिन अब प्रोएक्टिवली पुलिस एक्टिव हो सकती है सिर्फ अपने ही माध्यम से, सर्वेलेंस के इस माध्यम से पुलिस सीधे ही अपराधियों या अपराध को होने से रोक सकती है। दूसरा, अपराध होने के बाद अपराधियों के चले जाने और दौड़ जो है फरार हो जाने की घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत में हमें कई बार उनके जाने की दिशा पता नहीं हो पाती, आमजन हमें बता नहीं पाते, और अपराधी अनजान अज्ञात होने का अपना फ़ायदा उठा के अपराध करके चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम हेल्पलेस फील करा करते थे, लेकिन अब जब कमांड कंट्रोल सेंटर अपनी जगह आ गया है और शहर में लगातार कैमरे लगाए जाने की प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, शहर के मैक्सिमम इलाके हमारी नज़र में रहेंगे, ऐसे में कोई अपराध करके चला जाए इसकी संभावना कम होती जा रही है। अब है सेंटर में लगे कंप्यूटर शहर भर के 1100 सीसीटीवी कैमरों का फुटेज हर पल सेव करेंगे। इन कंप्यूटर्स के जरिए शहर की सड़कों पर होने वाली हर घटना की फोटो और वीडियो फुटेज ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी। फोटो और वीडियो देखने के लिए कंट्रोल रूम में विशेष कमरा बनाया गया है। जिसकी बड़ी दीवार पर 28 बड़े कंप्यूटर स्क्रीन को जोड़कर एक विशेष वॉल बनाई गई है जिसमें हर कैमरे का एक्शन नजर आता है। कैमरों की रिकॉर्डिंग पर नजर रखने के लिए 150 पुलिसकर्मी दिन रात तैनात रहते हैं और पैनी निगाह रहेगी, और इससे और आमजन को भी चूंकि इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा मिलने पर, और दो काम होंगे, एक तो क्राइम का प्रिवेंशन होगा, लोगों के समझ में आएगा कि वो निगाह में हैं, कैमरे की सर्वेलेंस में हैं, और दूसरा आमजन को भी ये पता रहेगा कि चूंकि इस तरह की सुविधाएं उनको उपलब्ध है इसलिए वो हमें इसके बारे में सूचना दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा। फिर दूसरी बात कि हमारा जो है इसमें पुलिस का रिस्पांस टाइम, लोगों की शिकायत रहती है कि पुलिस किसी अपराध की सूचना मिलने के बाद भी काफ़ी देरी से आ पाती है, कई बार सूचना नहीं मिलने के कारण भी पुलिस उस घटनास्थल पर देरी से पहुँचती है। ये दोनों ही परिस्थितियों में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आने के बाद बदलाव आएगा और हम बहुत तेजी से रिएक्ट कर पाएंगे, हम अपने रिस्पांस टाइम को बहुत तेजी से कम कर पाएंगे। सर, एक जानकारी और चाहेंगे कि अपराधियों के ऊपर नजर रखने में ट्रैफिक मैनेजमेंट में तो कारगर साबित होगा ही, और भी ऑपरेशन जैसे कि साइबर क्राइम की अगर बात की जाए उसको रोकथाम के लिए, फोरेंसिक की अगर बात की जाए उसमें भी मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे सिस्टम में कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो साइबर क्राइम होने, उसके प्रिवेंशन में और होने के बाद उसके डिटेक्शन में हमारी मदद करेंगे, और इसकी एक सेपरेट लैब हम स्थापित यहीं पर करेंगे, और उसमें जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सॉफ्टवेयर है, इसलिए जो अज्ञात रहकर साइबर स्पेस के माध्यम से अपराधी अपराध करते हैं और कई बार उनको नहीं पकड़ में आते वो लोग, लेकिन इस सुविधा के आने के बाद हम कह सकते हैं कि इस तरह के अपराधी हमारी नज़र से बच नहीं पाएंगे।
तो बिल्कुल कुल मिला के बात की जाए, अभय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर कोटा के लिए एक अहम जरूरत थी जो पूरी हो चुकी है। कोटा पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है, स्मार्ट पुलिसिंग कोटा में हो रही है और अपराधियों के ऊपर यहाँ से आप देख सकते हैं 24 घंटे पुलिस कर्मी निगाह रख सकते हैं, संदिग्ध गतिविधियों के ऊपर निगाह रख सकते हैं। कुल मिला के कोटा की जनता को अगर कोई भी दुर्घटना की जानकारी लगती है, अपराध की जानकारी लगती है, पुलिस के सहयोग की जरूरत है तो 100 नंबर डायल करें, अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के पुलिस कर्मी उनके लिए 24 घंटे तैयार हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अपराधियों पर पुलिस आसानी से नजर रख सकेगी। कोटा के एरोड्रम चौराहे से M4 रास्ते निकलते हैं। मान लीजिए किसी बदमाश ने महिला की चैन एरोड्रम सर्किल के पास तोड़ी, यहाँ घटना CCTV कैमरे में कैद हो जाएगी। फोटो और वीडियो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएंगे और क्योंकि हर पल CCTV कैमरों की फुटेज पर नजर रखी जाती है तो कंट्रोल रूम में बैठे पुलिसकर्मी को अगले ही पल इस घटना का पता चल जाएगा। बदमाश चैन लूटकर एरोड्रम के 4 रास्तों में से किसी एक पर भागेगा। कंट्रोल रूम की दूसरी टीम अगले 1 मिनट में 4 रास्तों के अगले चौराहे के थानों और पुलिस टीमों को चैन लूटने की घटना बताएगी। पुलिस की एक टीम 2 से 4 मिनट में पीड़ित से संपर्क करेगी और दूसरी टीम बदमाश के पीछे पड़ जाएगी। शहर में लगे HD कैमरों में ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे बदमाश का हुलिया तत्काल ट्रेस होगा और वो परमानेंट कंप्यूटर में अपलोड हो जाएगा। बाइक का नंबर अलग से सेव होगा, इस नंबर की गाड़ी दिखते ही पुलिस उसे ट्रेस कर लेगी। मदद की जहां तक बात है वो तो पहले की तरह 100 नंबर हमेशा इस पे काम करता रहेगा। पहले की तुलना में जो अब अंतर आया है वो ये कि इसमें काफी कुछ ह्यूमन इंटरवेंशन कम हो गया है। 100 नंबर पर पहले की तरह जैसे व्यक्ति कॉल करते हैं जिनको पुलिस की आवश्यकता है, उनके जो भी उनके साथ अगर कोई घटना या किसी घटना में कोई पुलिस की आवश्यकता है तो उस संबंध में पहले की तुलना में अब जो परिवर्तन हुआ है कि 100 नंबर पर कॉल आने के बाद 100 नंबर पर जिन्होंने कॉल अटेंड किया है हमारे पुलिसकर्मी ने, वो कॉल डिस्पैचर को जो है अपनी पूरी इवेंट बना के उनको दे देंगे। डिस्पैचर से हमारे जो पुलिस की गश्ती वाहन है उन गश्ती वाहनों पर विशेष प्रकार का उपकरण लगाया हुआ है, उस पर सीधे ही सूचना पहुंच जाएगी। तो इस घटना स्थल जो भी घटना हुई है उसके घटना स्थल से नियरेस्ट जो भी पुलिस व्हीकल है, पुलिस की जो फील्ड व्हीकल है, वहां पर यह सूचना जाएगी और वो तुरंत वहां पहुंच जाएगी। इससे पुलिस का एक तो रिस्पांस टाइम काफी कम हो जाएगा और दूसरा घटना के बारे में मैक्सिमम सूचना ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना फील्ड यूनिट की व्हीकल को मिल जाएगी। इसमें जो परिवर्तन आया है वो पहले क्या 100 नंबर पर जो कॉल आते थे वो कॉल करने वाले के बारे में जानकारी नहीं होती थी और उसने क्या बात की है इस बारे में हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन नई व्यवस्था में आने वाले प्रत्येक कॉल का रिकॉर्ड होगा, कितनी देर तक बात की, किसने बात की, कौन है जिसने कॉल किया, उसके कॉलर की आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश हो जाएगी और उन्होंने क्या बात की, कॉल करने वाले व्यक्ति ने क्या बात की और जिन्होंने जवाब दिया उन्होंने क्या जवाब दिया है। तो हम इसको देख पाएंगे कि किसी व्यक्ति ने अगर इसका, कई बार क्या होता है कि 100 नंबर पर अनावश्यक कॉल आते हैं तो जिसको बहुत पुलिस की आवश्यकता है उसके लिए 100 नंबर उपलब्ध नहीं हो पाता। इस प्रवृत्ति पर बहुत ज़्यादा तेजी से इसमें चेक लगेगा, तो जिनको पुलिस की आवश्यकता है जो सीरियस कॉलर हैं उनको 100 नंबर हमेशा उपलब्ध रहेगा। एक तो ये बात, दूसरी बात नई व्यवस्था में पहले की तुलना में ज्यादा लाइंस उपलब्ध हैं, इस कारण से 100 नंबर की उपलब्धता आम आदमी को ज्यादा है और कोई व्यक्ति अगर 100 नंबर पर कॉल कर रहे हैं तो इसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि पुलिस उनको तुरंत रिस्पॉन्ड करे। तो इन सारी व्यवस्थाओं के कारण, इस बदली व्यवस्था के कारण हम पुलिस जो है वो जनता को ज्यादा उपलब्ध हो गई है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कोटा अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खासियतें जिनसे अब कोटा की सड़कों पर वारदात को अंजाम देकर अपराधियों के लिए भागना आसान नहीं होगा। ₹120 कंप्यूटर पर सेव होगा डाटा। शहर की सड़कों पर लगे 200 CCTV कैमरे। 900 कैमरे अगले 12 महीनों में लग जाएंगे। 5 सेकंड में पुलिस को मिलेगी वारदात की सूचना।
तो सुना आपने, अब कोटा पुलिस हाईटेक हो चुकी है। हर पल शहर की सड़कों पर 200 सीसीटीवी कैमरों की निगाह है, यानी पुलिस की तीसरी आंख का पहरा है। तो खबरदार हो जाएं वो बदमाश जो अब तक वारदात को अंजाम देकर आंखों से ओझल हो जाते थे, क्योंकि अब जो भी बदमाश वारदात को अंजाम देगा पुलिस की तीसरी आंख से बच ना पाएगा। कोटा से नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान। बता दें कि साल 16 मार्च को सीएम राजे की ओर से जयपुर में अभय कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया था और उसी तर्ज पर कोटा में इसकी शुरुआत भी की गई है। प्रदेश में अभय कमांड सेंटर जयपुर और कोटा के अलावा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर में भी बनने हैं। अभय कमांड सेंटर राजस्थान पुलिस द्वारा स्थापित अत्याधुनिक कंट्रोल रूम है, जिसका मकसद है बेहतर जन सुरक्षा, आपात स्थिति में तुरंत सहायता देना, यातायात समस्याओं का समाधान करना, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना। कोटा पुलिस अब हाईटेक हो चुकी है, स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ कोटा पुलिस बढ़ चुकी है। अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कोटा में शुरू किया जा चुका है, उद्घाटन सीएम राजे ने किया था, जिसके बाद यहां पर जो है काम शुरू हो गया है। अब कोटा पुलिस 24 घंटे अपराधियों पर नजर रख सकेगी। शहर में अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं, जिनके जरिए स्क्रीन पर एक ही जगह पर जो पुलिसकर्मी है 24 घंटे ट्रैफिक मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो वो भी कर सकेंगे। इसके अलावा संदिग्ध जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर भी निगरानी रखी जा सकेगी। तो कुल मिला के अब कोटा की जो पुलिस है काफ़ी ज़्यादा सशक्त हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई है। और दूसरी बात यह है कि टेक्निक जो है वो पुलिस के पास मौजूद है, जिससे कि अपराधियों पर अपराध करने से पहले भी नज़र रखी जा सकेगी और अपराध करने के बाद अगर कोई अपराध होता है तो आसानी से इन आरोपियों को पुलिस, अपराधियों को पुलिस गिरफ्त में ले सकेगी। आम जनता को मदद की जरूरत होगी तो कम समय में पुलिस जल्दी लोगों को मदद जो है वो मुहैया करा सकेगी। कमांड कंट्रोल सेंटर से आम जनता को भी फायदा होगा, कोटा की पुलिस को भी फायदा होगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधों के ऊपर लगाम लगाई जा सकेगी। हाल ही में सीएम राजे ने प्रदेश के दूसरे कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया भी कार्यक्रम में मौजूद रहे थे। इसी के साथ महिला पुलिस कर्मियों की सिग्मा टीम की भी शुरुआत की गई थी। महिला पुलिस कर्मी स्कूटी पर गश्त करेंगी और महिलाओं के साथ अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंचेंगी। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने कहा कि जिस तरह से अपराधी हाईटेक हो रहे हैं उसी तरह उनसे निपटने के लिए पुलिस को भी हाईटेक होना जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज नहीं 16-17 के बजट में ही इस बात की कल्पना कर ली थी और उसी के आधार पर उन्होंने हमको ये योजना दी थी। थोड़ा हम लेट चल रहे हैं, हमको जून तक ही राजस्थान के सातों संभाग को पूरा करना है, लेकिन अभी आज दूसरा हम कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद अजमेर कर लेंगे और मैं सोचता हूँ आने वाले 2-2.5 महीने में हम राजस्थान के सातों संभागों को कर लेंगे, ताकि कम से कम बड़े शहरों में कैमरों के आधार पर जो भी हलचल जहाँ भी होगी उसके आधार पर हम क्राइम को कंट्रोल करने का प्रयास। इन कैमरों से सर आज की जो क्राइम का तौर तरीका बदला है, साइबर क्राइम के आधार पर साइबर के तरीकों से ही हम कंट्रोल कर सकेंगे और उसके लिए सरकार भी हमको सहायता कर रही है, केंद्र सरकार भी सहायता करती है और हम भी चाहते हैं कि इन आज जितने भी हमारे संगीन केस उठे हैं वो सब के सब साइबर क्राइम के एक्सपर्ट लोगों ने भी, जो आईटी के स्टूडेंट हैं या जो हमारे एक्सपर्ट पुलिसकर्मी हैं, उनके आधार पर खोले। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर पर फोन कर जानकारी देने या मदद मांगने वाले की भी पूरी जानकारी पुलिस के पास रिकॉर्ड होगी। अब तक कंट्रोल रूम में कॉल करने वाले के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो भी कंट्रोल रूम में कॉल करेगा कंप्यूटर में उसके नंबर समेत उसकी पूरी जानकारी और बात की रिकॉर्डिंग सेव हो जाएगी।
वहीं अब शहर में यातायात के नियमों की पालना नहीं करने वालों पर भी कंट्रोल रूम से नजर रहेगी। चालान के लिए यातायात पुलिसकर्मी को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। ऑनलाइन चालान बनेगा और वाहन मालिक के घर पहुंचा दिया जाएगा। कोटा से नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज, राजस्थान। कोटा ही नहीं, प्रदेश भर में अभय कमांड सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे ट्रैफिक तो कंट्रोल होगा ही, साथ ही साथ आपराधिक घटनाओं पर भी पुलिस पैनी नजर रख सकेगी। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।